Esto que sea. तो हेलो गाइस, कैसे हो सब? आप सभी का स्वागत है एक और नई गेम प्ले वीडियो में। इस वाली वीडियो में आए थे ओल्ड बेसिन, और ओल्ड बेसिन पे देखना भाई कितने ही बंदे आएंगे। अभी तो मुझे शुरुआत में कोई नहीं दिखता, और यहाँ पे मुझे वेस्ट हेलमेट मिलने के बाद सामने रेड वाले घर की तरफ कुछ बंदे दिखते हैं, और वहाँ पे अभी मैं लूट वूट करके अब वहाँ चलूँगा। और भाई इस वाले गेम में देखना भाई, एक नहीं दो दो स्कैम होंगे। मतलब जो एक आरपीजी वाला होगा वो स्कैम कर जाएगा, आपको दिखा दूंगा मैं बीच में, और एक होता है जो आगे स्कैम करेगा, जो कि भाई देखना अभी जो गाड़ी होती है अपनी, ये बी क्या बोलते हैं उसे, उस वाली गाड़ी को डासिया, हाँ गाइस डासिया जो होती है अपनी, जो अपनी डासिया होती है वो भाई उस वाली गाड़ी में देखा कोई बंदा नहीं होता। मतलब वो डासिया आके ठुकती है मेरे में, और वो उस वाली गाड़ी में कोई बंदा ही नहीं होता। तो मैं ओल्ड बेसिन की बात कर ली, तो ओल्ड बेसिन पे मुझे यहाँ पे कुछ स्कारल और पिस्टल मिल जाती है। पिस्टल लेने के बाद मैं सीधा रश कर देता हूँ सामने की तरफ। सामने की तरफ कुछ बंदे लड़ रहे होते हैं, यहाँ पे देखना कितना डैमेज पड़ेगा मुझे। सामने की तरफ होता है ये वाला बंदा, अब इस वाले बंदे को नॉक करने के बाद मुझे पीछे की तरफ से बहुत तगड़े शॉट्स पड़ते हैं, तो मैं थोड़ी मेडिकेट लगा लेता हूँ। मेडिकेट लगाने के बाद अब मुझे देखना भाई क्या ही मारूंगा यहाँ पे सामने वाले बंदे की तरफ, जो अभी मैंने ब्लू वाला नॉक करा है। इधर की तरफ अब मुझे एक बंदा दिखेगा, अब मैं जा रहा होता हूँ यहाँ की तरफ। अब इस वाले बंदे को मारने के बाद मुझे पीछे की तरफ से ये वाला बंदा मारता है। अब इस वाले बंदे से देखना भाई क्या ही फाइट होगी। इस वाले लेजेंड भाई को मारने के बाद, जो कि लेजेंड की तरह ही मार देता है भाई, सही मुझे मतलब हेल्प कर देती है। अब सामने की तरफ मेरा टीममेट जो होता है वो नॉक कर देता है। मैं अपनी M4 की एम4 और M4 उठा लेता हूँ यहाँ से। M4 मिलने के बाद मैं अब सामने की तरफ पुश करूँगा, जो कि भाई अभी बंदे होंगे यहाँ पे, जो कि अभी हैं। बंदों को पुश करने से पहले इस वाले बंदे को मार देता हूँ, और मारने के बाद मुझे सामने की तरफ एक और बंदा दिखता है जो कि ओल्ड बेसिन में होता है। अब भाई मुझे सामने की तरफ से जो फायर शॉट आ रहे थे, तो मैं इस वाले घर में रश कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके मुझे बंदा दिखेगा। अभी तो नहीं दिखेगा फिलहाल, अब मैं यहाँ पे बहुत देर तक छीनता हूँ यहाँ पे, मतलब छीनता यार क्या ही बोल रहा हूँ मैं, मतलब यहाँ पे बहुत देर तक ढूंढता हूँ। यहाँ पे बहुत देर तक ढूंढने के बाद मुझे सामने की तरफ, अब यहाँ पे मैं थोड़ा कट कर देता हूँ आपके लिए। अब देखो अब इस वाले बंदे को मारने के बाद मेरा मन करता है कि अब मैं सामने की तरफ निकलूँ, ओल्ड बेसिन से निकलूँ और थर्ड हिल की तरफ बढ़ चलूँ। थर्ड हिल पर जाने से पहले मैं यहाँ से मेडिकेट उठा लेता हूँ। मेडिकेट उठाने के साथ ही अब मैं यहाँ से गाड़ी में बैठेंगे, और गाड़ी में बैठने के बाद यहाँ पे अब मुझे मिलेगी आरपीजी वाला बंदा। यहाँ पे हो चुकी थी अपने चार के गेम की शुरुआत, तो सही जा रही थी। और यहाँ पे अब जो होता है हम गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं, तो मुझे कुछ गाड़ी दिखती है और ये वाला बंदा, इस वाले बंदे का किल तो मेरा टीममेट चुरा लेता है। तो मुझे सामने की तरफ एक गाड़ी दिखती है। अब इस वाले बंदे को देखना भाई क्या ही घुमा घुमा के मार दिया, मतलब ये बंदा मुझे घुमा रहा होता है मैं इसे, अब कुछ भी समझ लो यार कौन किसे घुमा रहा होता है देख लेना। इस वाले बंदे को मैं थोड़ा डैमेज कर देता हूँ और फिर कर देता हूँ रश। अभी तो देखो अभी मुझे ये वाला बंदा दिखेगा नहीं, अब मैं इसे ढूंढ रहा होता हूँ। अब फाइट इंजॉय करो भाई, इसलिए मैं थोड़ी सी फास्ट कर देता हूँ। यहाँ पे बंदा होता है, अब इस वाले बंदे को भी मारने के बाद अब मेरा मन करता है कि यहाँ से गाड़ी लूँ और निकलूँ सामने की तरफ, जो ड्रॉप आया था। अब ड्रॉप लूटने के बाद भाई देखना आरपीजी मेरे को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो सामने वाले बंदे होंगे इन्हें आरपीजी मिल जाएगी। और अब भाई मैच को देख के बताना कि भाई क्या ही सीन चल रहा है यहाँ पे, कि जो होता है ये वाला बंदा आरपीजी वाला बंदा। अब यहाँ से मैं ड्रॉप से लूट लेता हूँ कुछ सामान वामान, लेवल 3 का हो जाता हूँ। यहाँ पे मुझे मिल जाएगी अभी लेवल 3 के वेस्ट और बैग, और मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ आरपीजी ले ले, लेकिन भाई वो आरपीजी नहीं लेता है। अब क्या होता है यहाँ पे हम जा रहे होते हैं आगे की तरफ, अब यहाँ पे मुझे मिलेगा एक आरपीजी वाला बंदा, एक ही होना चाहिए क्योंकि ये वाला जो पहले ड्रॉप था ये था और एक और ड्रॉप था, तो भाई अब एक और आरपीजी होनी चाहिए, बस दो आरपीजी होनी चाहिए। लेकिन भाई क्या होता है इस वाले जो आरपीजी की एमो होती है वो मेरा टीममेट उठा लेता है। अब यहाँ पे मैं घूम रहा होता हूँ, तो मुझे यहाँ की तरफ एक बंदा दिखता है। अब इस वाले बंदे को जल्दी से मारेंगे और निकलेंगे और बंदों की तरफ, जो कि अब हम पीछे जा रहे होंगे तब मिलते हैं। अब इस वाले बंदे को तो मैं इजीली निपटा देता हूँ। यहाँ की तरफ अब देखना भाई क्या, अभी जो ये बंदा दिखेगा ये आरपीजी वाला है, देख लो भाई आरपीजी वाले बंदे को मार दिया अब इस वाले को। अब इस वाले बंदे को मारने के बाद मैं गाड़ी घुमा रहा होता हूँ यहाँ पे, अभी दो बंदे अनलॉक करूँगा, और जो सामने की तरफ एक और बंदा होगा उसको भी अभी मारेंगे। अब ये देखो इस वाले बंदे को भी इजीली निपटा देते हैं, और इसे भी निपटाने के बाद अब आरपीजी वाले बंदे को देखना। अब मैच देखो, ये वाला भी आरपीजी वाला है। Seriously, what the fuck are you doing?
तो इस वाले सेकंड गेम प्ले में आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम आए होते हैं ओल्ड बेसिनी पिछली बार की तरह, और यहाँ पे आपके बंदे आए भी होते हैं। अब यहाँ पे हम फाइट करेंगे, और आपका अगर आपको वॉइस ओवर नहीं चाहिए तो ये लो, मैं अभी बंद ही कर दे रहा हूँ। अभी थोड़ी देर देखो बिना वॉइस ओवर के, फिर मैं बीच में उंगल करने आऊँगा। अब यहाँ पे तो मुझे कुछ लूट मिलती नहीं है, और तो फिर मैं यहाँ से थोड़ी बहुत लूट करता हूँ, अपने टीम मेट से गन लेता हूँ। अब बस ये वाला सीन देख लो, इस वाले बंदे को मैं घूसे से निपटाऊँगा। हाँ, ये जो अंदर घुसा है इस वाले बंदे को आप घुसे से निपटाएंगे, और फिर मैं वॉइस ओवर बंद कर दूंगा। मजाक कर रहा था यार, मजाक भी समझा करो। अभी यहाँ वाले बंदे को इजीली नॉक करने के बाद जो ये वाला बंदा होता है, ये मेरा किल चुरा लेता है। आपने देखा होगा जो रोड पे मैंने बहुत एक नॉक करा था। अब इस वाले बंदे को अब मैं निपटाऊंगा, किल चुराएगा ना मेरा। ठंडीले भालू को मारने के बाद मेरा मन करता है अब मैं और बंदे को मारूँ, क्योंकि तीन दो ही किल हुए थे भाई, एक तो इनने चुरा लिया था मोटे भालू ने। तो अब क्या करते हैं, अब करते हैं बीच में ही वॉइस ओवर बंद, क्योंकि भाई अब हो चुके हैं 6 मिनट। फाइव मिनट तक बोलते बोलते मैं परेशान हो चुका हूँ, और अगर वीज आए तब तो कुछ सही भी लगता है यार वॉइस ओवर करने में। चलो कोई नहीं, फिर मैं वॉइस ओवर कर ही देता हूँ कि अब मैं इस वाले घर में जाता हूँ। इस वाले घर में जाने के बाद मुझे कुछ बंदा दिखता है, इस वाले बंदे को निपटाएंगे भाई। मतलब क्या ही कैम कर रहा होता है। अब इस वाले बंदे को इजीली निपटाने के बाद नॉक और फिनिश भी करेंगे, अभी फिनिश करेंगे, अब इसे करते हुए फिनिश करेंगे। और इस वाले बंदे को फिनिश करने के बाद मैं अब वॉइस ओवर सही में बंद कर दिया हूँ। गाने की जो स्पीड होती है पीछे आप सुनने होगी, अब इसे बढ़ा दूंगा। अभी 4 से 5 सेकंड रुक जाओ अभी, या फिर अगर आपको अभी गाना सुनना है तो स्किप कर सकते हैं 4 से 5 सेकंड। तो अब मैं वॉइस ओवर बंद करूँगा, और अभी तक कोई जाना मत, अब मज़ा आएगा, क्योंकि अब जो गेम प्ले में मज़ा आने वाला है वो देखो। Enemy down.
baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like you're brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get attached when I start to feel I'm unattached. Somehow I was in a feeling bad. I ain't lost that. It's not all you want from me. I just want your company. Girl's obvious, elephant in the room. We're part of it, don't act so confused. And you love starting it. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. Enemy down. And I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. Enemies ahead. Talking slick back, kick back, gang sipping 40s. You keep playing none of the day with your shorty. Mismatch fish, that was way before you know me. Got a lot of love, well, you better save it for me. We play games of love to avoid the depression. We've been here before, and I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. अब गाइस ये बताने कि जो ये वाली आवाज़ आ रही है और जो पहले वॉइस ओवर में आवाज़ आ रही थी उनमें क्या फ़र्क है, कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने ये वाली आवाज़ के रिकॉर्ड कैसे करा और वो वाली आवाज़ को रिकॉर्ड कैसे करा है, ज़रूर बताना गाइस। अब जो लास्ट वाला बंदा बच रहा होता है वो लेटा होगा घास में और वो आपको दिखाऊंगा अभी मैं आगे। यहाँ पे जो आगे घास होती है सब जगह ढूंढने के बाद मुझे आगे घास दिखती है। और लेकिन यार ये बात याद रखना कि जो आवाज़ आ रही है आपको वो कौन सी वाली ज़्यादा ठीक है बताना और क्या फ़र्क है। यहाँ पर बंदा लेटा होगा, down.